गुड मॉर्निंग टेंथ सीबीएसई। तुम लोग का पोर्शन बहुत मतलब 30% ओमिट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो सेकंड चैप्टर जो हम लोग ने किया था 2.2 तक, तो वो वहां तक ही है। जो पोर्शन अभी तुम्हारा चेंज हुआ है वो वहां तक ही है। अभी हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई, मतलब दो वेरिएबल रहेंगे, उससे दो इक्वेशन रहेंगे, वो इक्वेशन सॉल्व करके तुम लोग को एक्स वाई ए बी जो भी दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स है, इसमें से भी तुम लोग का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है वो ओमिट किया हुआ है। बट उसमें तो भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंसिल होने के बावजूद बहुत सारे एक्सरसाइज बहुत है इसमें, तो थोड़ा ध्यान दो। और होमवर्क थोड़ा मैं करा के देगी, उससे बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो खुद से करो। अभी है क्या है एक्सरसाइज 3.1। देखो तुम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे ही है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल रहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था। ठीक है, तो अभी लेसन का नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये है अपना थर्ड चैप्टर। अभी इसमें फर्स्ट जो है 3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन क्या है, देखो अफताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. अभी graphically जो है वो जब ही तुम लोग क्लासेस में आना स्टार्ट करोगे तभी graphically का मैं सिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल तो algebraically है जो वो करेंगे हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हमेशा याद रखो, फर्स्ट वन टाइम पढ़ो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, फिर सेकेंड टाइम जो है धीरे धीरे समझ के लो, उसके बाद तुम लोग को क्या करना है वो समझ में आएगा। अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, अफ्ताब ने उसकी बेटी को क्या कहा कि 7 years एगो, 7 साल पहले, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो मतलब क्या बोला है अफ्ताब कि जब ही वो छोटी थी 7 साल पहले, आफ्ताब की बेटी का जितना एज था उससे 7 times उसका एज था आफ्ताब का, और 3 years बाद आएगो मतलब पहले 7 years आएगो, 7 साल पहले आफ्ताब की बेटी का जितना एज था, तो आफ्ताब की बेटी भी 7 साल पीछे जाएगी, आज जितना एज है उससे 7 साल पीछे जाएगी, तो उसका एज जितना रहेगा उससे 7 साल 7 times उसका एज था आफ्ताब का, और 3 years फ्रॉम नाउ और आज से 3 years बिफोर 3 साल बाद आई शाल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जब मैं अभी जैसे 7 years बिफोर वो 7 times था, तो 3 years बाद आफ्टर वो कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा। तो अभी हम लोग को आफ्ताब का और उसकी डॉटर का 2 days एज अज्यूम करना है। हाँ, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लेट
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर्स। ठीक है, तो अभी उसका फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 7 ईयर्स बिफोर अभी आज का एज जितना है उससे 7 ईयर्स बिफोर जाने का है हम लोग को, तो इसका एज कितना हो गया x माइनस 7 और उसकी बेटी का कितना हो गया y माइनस 7, वो 7 टाइम्स, अभी ये दोनों का 7 ईयर्स एगो का हो गया, बट वो क्या कह रहा है कि 7 ईयर्स एगो उसकी बेटी का जितना एज था वो एज के 7 टाइम्स उसका एज 7 ईयर्स एगो था। ठीक है, बस इतना ही तुम लोग को रिप्रेजेंट करने को बोला है। फिर है आफ्टर 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3, ये उसका सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ क्या करने को बोला है, रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन समझ के लो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा है उसने, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ओशिप, मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ा है, अभी वो करके फिर सेकंड वाला कराते। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो हम लोग 2 kg का बोला है तो सबसे पहले हम लोग 1 kg का एप्पल अज्यूम करेंगे और ग्रेप्स भी 1 kg का ही रेट जो है अज्यूम करेंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स बी एक्स रुपीज एंड 1 kg ग्रेप्स बी वाई रुपीज। ठीक है, तो क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, अभी जितना 1 kg है उससे हम लोग जितना भी केजीज चाहिए रहेंगे उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक 1 kg एप्पल्स अगर तुम लोग को 100 rupees में मिल रहा है तो 2 kg कितना हो जाएगा 200, 3 kg कितना हो जाएगा 300, मतलब जितने भी केजीज चाहिए वो नंबर से हम लोग वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 kg एप्पल 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया 160। और सेकेंड उसने क्या कहा है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल प्लस 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू 300। बस इतना ही सॉल्व करना है, ग्राफिकली जो है वो बाद में हो जाएगा। अभी सेकेंड वाला,
तुमने गलती से थर्ड फर्स्ट लिया था। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर रुपीज 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन वही एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। वो लोग ने ज्योमेट्रिकली दिया है, इसका मतलब ही ग्राफिकली हो गया, क्योंकि ग्राफ जो है वो ज्योमेट्री में है। हाँ, तो द कोच अभी कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट बी, लेट द कॉस्ट ऑफ बी एक्स रुपीज एंड वन बॉल है ना, बॉल बी वाई रुपीज। ठीक है, तो उसने क्या किया, बाइस थ्री एक्स एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज 3,900। और लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट, एक ही बैट लिया है, एंड 3 मोर बॉल्स फॉर रुपीज 1,300। बस एक ये इक्वेशन बना, एक ये सेकेंड इक्वेशन बना, उतना ही करना है और कुछ नहीं है। सॉल्व करने को बोला नहीं है, सिर्फ इक्वेशन रिप्रेजेंट करने को बोला है। इसके बाद में ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड तुम लोग को मैं क्लास चालू होने के बाद बताऊंगी। अभी नेक्स्ट क्या है, एक चार्ट दिया है तुम लोग को, टेबल 3.4 पेज नंबर 46 में है। वहां पे पेयर्स ऑफ लाइंस दिए हैं, देखो क्या चार्ट क्या बनाया है, पेयर ऑफ लाइंस A1 A2 B1 B2 C1 C2 compare the ratio graphical representation फिर algebraic representation, नहीं algebraic interpretation। अभी फर्स्ट क्या दिया है, पेयर्स ऑफ लाइन मतलब जो इक्वेशन से वो दिए हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, फिर है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 20 इक्वल्स टू 0 दिया है। अभी यहाँ पे ये a है, ये b है, और c जो है कांस्टेंट टर्म रहेगा। ठीक है, तो a1 upon a2 मतलब a1 यहाँ पे है 1, तो 1 upon 3, b1 upon b2 -2 upon -4, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस है, +4,
सी वन है 0 अपॉन माइनस 20। अभी क्या दिया है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। फिर ऐसा रहेगा तो बताती हूँ, मैं सब बताऊंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। फिर इसके बाद सेकेंड, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस 18 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस टू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, पेयर ऑफ लाइंस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, कंपेयर द रेशियोज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अभी देखो पेयर ऑफ लाइन में दो इक्वेशन है, उसमें से कंपेयर करके a1 अपॉन a2, ये a1 ये a2 b1 b2 c तो यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 रहेगा, c2 है माइनस 20। तो यहाँ पे ये a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन 4, इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 2 आया अगर डिवाइड करोगे, और ये 0 आया। यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब अभी अगर ऐसा है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे और आंसर क्या आएगा, हम लोग कंक्लूजन क्या रहेगा उसका, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका, बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। फिर है सेकेंड वाला, a1 अपॉन a2 कितना आया, 2 अपॉन 4, मतलब अभी मैं अगर इसको 1 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, 9 1 9 9 2 18, ठीक है।
तो अभी यहाँ पे ये वाला अपॉन टू, ये वाला अपॉन टू, ये वाला अपॉन टू, दोनों भी वाला अपॉन टू, मतलब ये तीनों रेशो जो है वो इक्वल आए, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस इनडेफिनेटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब उसके सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे, एक ही सॉल्यूशन पे वो स्टॉप नहीं होगा। तुम लोग कुछ भी वैल्यूज डालोगे तो उसका आंसर आएगा ही आएगा। अभी यहाँ पे थर्ड दिया है, ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू, बी वन अपॉन बी टू इज ऑल्सो वन अपॉन टू, एंड सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू फोर वन जा फोर थ्री जा, दैट मीन्स वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बट सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल टू बोथ द रेशोज। ठीक है, देयरफॉर पैरेलल लाइंस, मतलब ये दोनों का कैसा रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेगा। ये सभी जो है ये तीनों तुमको कभी समझ में आएगा, जब ही ग्राफिकल मेथड हम लोग करेंगे उसके लिए ग्राफ की जरूरत है, उसके लिए तुम लोग सामने रहने की भी जरूरत है। और अभी ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब ये दोनों इधर भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कैसा आएगा। ये तुम लोग के टेक्स्ट बुक में है, समझ के ले लो क्या है वो। ठीक है, चलो अभी ग्राफिकल का जो है वो मैं अज्यूम करके तुम लोगों को बता दी हूँ। फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 घर पे ग्राफ बुक रहेगा तो सॉल्व करो, नहीं रहेगा तो जब स्टेशनरी शॉप खुलेगा तभी लेके सॉल्व करो। हाँ, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हाँ, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन जो दिया है उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ निकाल के उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो टोटल नंबर कितने दिए हैं, 10 दिए हैं। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ के लेना है कि टोटल स्टूडेंट 10 है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज जितने हैं उससे 4 मोर करोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिलेगा। हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, ये है अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन फॉर्म हुए हमारे। सेकेंड इक्वेशन के लिए एक बनाना है,
क्वेश्चन वन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसका मतलब y इक्वल्स टू 10 माइनस x, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, अगर मैं लेती हूँ 10 नहीं है, 1 नहीं होगी, 5 ले लेती हूँ, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों भी 5, 5, 5 एंड 5। अभी अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लेती हूँ तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये इजी है, इसके लिए मैं सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ। फिर मैं x इक्वल्स टू अगर 3 ले रही हूँ तो y इक्वल्स टू मेरा 7 आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4, नहीं तो x माइनस y इक्वल्स टू 4, तो हम लोग को y की वैल्यू चाहिए, x माइनस 4 इक्वल्स टू y, देयरफॉर y इक्वल्स टू x माइनस 4, ये y यहाँ पे गया, ये 4 यहाँ पे आया। तो अभी मैं फर्स्ट x इक्वल्स टू अभी 5 ले रही हूँ, तो y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, x अगर मैं 6 ले रही हूँ तो y हो गया 6 माइनस 4 2, x अगर मैं अभी माइनस भी, माइनस नहीं आ सकता है, उतना दिमाग लगाएगा, 7 ले रही हूँ तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 3, x, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब 7 तक ही चाहिए, तो ठीक है, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो अभी फर्स्ट क्या है, 5 एंड 5, तो 5 एंड 5 यहाँ पे आएगा। अभी ये मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 4 एंड 6, 4 एंड 6, फिर है 3 एंड 7, ये एक मेरा लाइन है, तो लो का भी आएगा ऐसे ही। फिर है सेकंड 5 एंड 1, 5 एंड 1, फिर है 6 एंड 2, फिर है 7 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा, यहाँ पे शायद से मे बी 7 एंड 3 रह सकता है, नहीं तो 7 पॉइंट में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तुम लोग ये सॉल्व करके देखो,
ग्राफिकल मेथड वाला जो है आंसर जो है दोनों सेम ही आने वाला है। अभी यहां पे एक 7 और 3 आएगा शायद से, तो x का वैल्यू 7 रहेगा और y का वैल्यू 3 रहेगा। तो x मतलब क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रहेंगे, 7 रहेंगे और नंबर ऑफ बॉयज 3 रहेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज 3 रहेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो, अभी ये जो लाइन सेगमेंट बना है वो कौन से इक्वेशन का है, तो x plus y is equals to 10, तो वो इक्वेशन को नाम देना है x plus y equals to 10, और ये वाला किसका है x minus y equals to 4, ठीक है। इसी तरीके से तुम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन भी है, वो सिर्फ सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड वेदर द रिप्रेजेंटेटिव। हां मतलब ये जो ग्राफ पहले बनाया था, जो टेबल बनाया था वो टेबल से करना है। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 तुम लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन 3 भी अगर होता है तो सॉल्व करना है, कुछ नहीं सिर्फ कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 3, 4 मतलब जितने भी तुम लोग कर सकते हो वो करना है, क्योंकि सिर्फ कंपेयर करके ही करना है उसको, ठीक है। और एक ग्राफ निकालो।